एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सभी? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके स्किन पे अगर मसाज की प्रॉब्लम हो रखी है, वाट है तो टैग के प्रॉब्लम हो रखी है, दा कोई भी दाग धब्बा हो रखा है, ब्लैक या फिर ब्लैक तिल हो रखे है, ब्राउन तिल हो रखे है, तो उसको ये रिमूव करने में, यह जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि ये प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट को आप 10-15 दिन यूज करते हो तो आपके जो मस्सा है, जो भी प्रॉब्लम होती है मस्से की, जो कि स्किन के ऊपर होता है, या तो आपके गर्दन पर भी हो सकता है, आपके फेस पर भी हो सकता है ये सब समस्या, या फिर आपके बॉडी पर कहीं पर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर एक छोटा सा स्किन टाइप में ही निकला सा होता है और उसमें कुछ अब दबाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। और देखो, ब्लैक तिल होते हैं, ब्राउन तिल होते हैं, तो उसको भी हम इस तरीके से टच करते हैं तो दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि हमारे स्किन पे हमारे ये सब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई सा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हम अपने स्किन से इन सबको रिमूव कर दें। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपकी स्किन पे वाट की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे मस्से की प्रॉब्लम होती है उसको ये रिमूव करता है, हमारे है जो भी प्रॉब्लम होती है तिल की, जो भी दाग धब्बे की प्रॉब्लम होती है हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पे, तो उसको ये रिमूव करता है। तो हम जानेंगे ये जो प्रोडक्ट है वो सच में रिमूव करता है कि नहीं करता है, इस प्रोडक्ट की सच्चाई जानेंगे और हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, हमारे ये बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, आपकी बॉडी के लिए सेफ है। प्रोडक्ट का नाम है टैग रेसेट बी बोनॉम। इस टाइप की प्रोडक्ट मिलेगा, इस टाइप का पैकेजिंग में मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है हमारे टैग को, हमारे जो मस्सा होता है उस प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है। ये स्प्रे टाइप में आता है, जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, स्प्रे करता है उस जगह पे हमारे जहाँ पे मस्सा हो रखा है, ठीक है, ये सब की प्रॉब्लम होती है, उस जगह पे हमें स्प्रे करना होता है, तो हमारे वो क्या करता है 10-15 दिन में वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाता है। तो क्या ये सच में अच्छा है कि नहीं है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हम खरीदें कि नहीं खरीदें। तो गाइस, आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको ओरिजिनल खरीदना है, और ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे स्किन पे, किसी के तो जन्म से ही होता है, किसी को बाद में ये सब की प्रॉब्लम होती है। तो देखो गाइस, आपके ना स्किन पे टैग हो रखा है, जैसे कि आपके जो स्किन पे तिल हो रखे हैं तो वो ना आपकी स्किन से रिमूव नहीं होगा। अगर आपकी स्किन पे वाट हो रखा है, ठीक है, ये मस्से की प्रॉब्लम हो रखी है, मुस जिसे मुस भी बोलते हैं, मस्से की प्रॉब्लम, तो उसको ये छोटे मतलब कुछ कुछ मस्से को ये रिमूव करने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मस्से हो रखे होते हैं उसको रिमूव नहीं करता है। आप डॉक्टर की मदद से ही इस ये जो समस्या होती है हमारे स्किन पे, तो उसकी मदद से आप रिमूव कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट है ना, वो आपके स्किन के मस्से को रिमूव नहीं करेगा, आपके टैग को रिमूव नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगी ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपके तिल को ये रिमूव नहीं करेगा। आपके मस्से हो रखे, वाट हो रखा है, आपके दाग धब्बे हैं फेस पे, बॉडी पे दाग धब्बे हो, उसको ये क्लियर करेगा, लेकिन आपके जो बहुत बड़े बड़े मैं आपको स्किन पे आपको इस तरीके की समस्या है तो उसको ये ना इतना ज़्यादा रिमूव नहीं करता। आपको डॉक्टर की हेल्प लेके ही आप इस सबको रिमूव कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अपनी बॉडी पे, कुछ लोगों को लगता है कि दाग धब्बे को रिमूव करना है, हमारे स्किन पे वाट हो रखा है, तो वाट को हम किस तरीके से रिमूव करें, कुछ लोगों को ये होता ही है, तो कुछ छोटे छोटे होते हैं ना उसको रिमूव करने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा बड़े होते हैं उसको रिमूव नहीं करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है किस तरीके से यूज करना है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, देखो ऐसे आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो अपनी बॉडी पे, तो अपनी बॉडी का अच्छे से एक कपड़े कॉटन की मदद से आपको अच्छे से क्लीन करना है उस जगह को, फिर बाद में आपको स्प्रे की मदद से आपको वहाँ पर स्प्रे करना है, आपको चेक करके फिर बाद में यूज करना है। अगर आपको जलन खुजली इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपको यूज नहीं करना है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके जो बहुत बड़े इस टाइप के प्रॉब्लम है तो आपको रिमूव नहीं करेगा। आपके बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक तो बहुत बड़े वाट होते हैं, एक बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो छोटे वाले को रिमूव करने में मदद करता है, बहुत बड़ा होता है और जो जन्म से होता है ना उसको रिमूव नहीं करता है, ठीक है। तो आपके बहुत बड़े हैं और जन्म से है तो आप डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर की मदद से ही आप उसको रिमूव कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इस वीडियो को, और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।